नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी क्षेत्र में और ये पड़ता है जिला शाहदरा। और जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो है नज़दीक है, 4 तारीख को वोटिंग है, आइए जानते हैं जनता किसको पसंद करती है और किस आधार पर जनता वोट देगी। आंटी, आपको पता है 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव है? जी पता है, मालूम है। किसको दोगी वोट, किस आधार पर दोगी? भैया हम तो झाड़ू वाले को देंगे। क्यों दोगे झाड़ू वाले? वो बेचारा, वो क्या नाम है, वो पानी बत्ती फ्री कर रहा था। फ्री कर रहा है? हाँ। अच्छा, ये आप आई कहाँ से हो? आई कहाँ से? यहीं से, सुंदर नगरी। सुंदर नगरी में सड़कें ठीक है? सड़कें तो गंदगी हो रही, कहीं कहीं गंदगी है। गंदगी उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती? गाड़ी आती है, बड़ी गली में आती है, पतली गली में नहीं आती। कूड़ा डालो तो क्या? और नाली, नाली साफ करने वाला तो 8-10 दिन में आता है, एक बार। 8-10 दिन में आता है एक बार? अच्छा, वहाँ के निगम पार्षद कौन है? बीजेपी से है? क्या नाम है निगम पार्षद का? पता ही नहीं है। ठीक है, जनता को पता ही नहीं है निगम पार्षद कौन है। अच्छा, ये बताइए, आपकी गलियों में लाइटें लग रही हैं? रात में चोरी हो जाती है, लाइट नहीं होती है? खंभों में लगी? लग रही है खंभों में लगी हुई। तो यानी कि आप केजरीवाल के समर्थन में है? देख लो, जो सुविधा देगा हमें उसको तो देंगे। सुविधा दे रखी है, फ्री कर रखा है? फ्री नहीं, 200 यूनिट फ्री है, बस यही है। और क्या? और तो किसी, बस फ्री है, खुश है अम्मा? और तो किसी नहीं है। और आप आंटी किसको दोगी वोट? हमारा तो केजरीवाल को देंगे। क्यों दोगे केजरीवाल को? इधर तो आओ, बात तो कर लो हमसे, कहाँ जा रही हो? केजरीवाल इसलिए देंगे, बस पसंद है। अच्छा है, काम पसंद है, केजरीवाल पसंद है, काम भी पसंद है। क्या काम किए? क्या ना करा बताओ, क्या करा बताओ, क्या ना करा उन्होंने, सब कुछ। बीजेपी को क्यों नहीं दो? अस्पतालों में देखो, सब कुछ अच्छे से देखभाल भी हो रही है, दवाई गोली भी चल रही है। यहाँ से आई हो तुम? हम यहाँ से आए, बैंक कॉलोनी स्टैंड से। बैंक कॉलोनी दिल्ली से? हाँ। ये बताइए कि दिल्ली में जो है बीजेपी को नहीं दोगी? बीजेपी ने कार्य नहीं किए? बीजेपी जब आई ना है अभी दिल्ली में, तो कार्य क्या करेगी ये बताओ? बीजेपी की तो सरकार है एमसीडी में? एमसीडी में कहीं है कहीं ना है, ये है हर जगह कह रहा है बीजेपी थी। अब ये बताओ, तुम्हारे यहाँ सड़क बन रही है? हमारे यहाँ एमसीडी की सरकार है, बीजेपी की यहाँ से। अब बताओ कौन सी सफाई है वहाँ पे? जाके देखो, राजीव नगर में अंदर सड़क पर आ, जमादार 15-15 दिन सफाई करने नहीं आते, नालियों में बिल्कुल कूड़ा उठाने नहीं आते। बस गाड़ी अब आने लगी है जब से भी इलेक्शन शुरू हुआ है, यानी उससे पहले गाड़ी ना आई, राजीव नगर को सड़क कर रख दिया लोगों ने। यानी कि आपको लगता है आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो अच्छा होगा? और क्या होएगा, ये अच्छा, जब आगे अच्छा हो रहा है तो पीछे भी अच्छा होएगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं गंदगी दूर कर दी। कहाँ कर दी गंदगी दूर बताओ? आप ही बताओ, कहीं गंदगी दूर है ये बताओ? अच्छा, राशन मिल रहा है? आपस में भिड़वाना, वो करवाना, दुनिया भर के दंगे। क्या भिड़वा दिए बताओ? कितने हुए दंगे? सब जगह हुए, दिल्ली में कम हुआ बताओ? देखिए, हमारे साथ अब युवा भी जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं कि आखिर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में किस आधार पर वोट मिलेगा नेताओं को, किस आधार पर वोट देंगे आप? मैम, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। काम करेगा यानी कि एमसीडी में तो दिल्ली बीजेपी की सरकार थी, 15 साल रही है। नहीं, हमारे यहाँ का पार्षद नालायक था, हम पार्षद वहाँ बदलना चाहते हैं। कहाँ का है? हाँ, कौन सी जगह? गीता नगर, शाहदरा। गीता नगर? गीता नगर, हाँ। क्या हो गया वहाँ पे, लाइट नहीं लग रही? नहीं, लाइट तो ठीक है वहाँ पे, जो है वहाँ पे पार्षद, जो हमारे यहाँ गलियों का ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है। और पार्क वगैरह की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या गंदगी है? हाँ, गंदगी रहती है, कहते गंदगी सफा करती है। स्वच्छ भारत बन गया है? स्वच्छ भारत तो पेपरों में बन जाता है ना मैडम? अच्छा, स्वच्छ भारत बन जाता है मैडम? यही इलाज अभी बाहर कराने जाते सीटी स्कैन तो 8-10 हज़ार रुपए का होता, और ये केजरीवाल ने फ्री करके हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी तरह मैडम हम लोग केजरीवाल की तरफ है, बिल्कुल साम है, पूरी रिपोर्ट, पूरी जांच, दवाई, सारी चीजें फ्री। इसीलिए युवाओं का रुझान भी केजरीवाल की तरफ ही है, स्वास्थ्य की। लेकिन कहते हैं वो तो रेवड़ी बांट रहे हैं, पंगू बना रहे हैं, वो तो भाजपाइयों का स्टंट है मैम। मैडम, जब नेताओं को नेताओं को फ्री भी मिलता है तब कहा जाता है, हम लोगों को तो टैक्स में मिलता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक, एक दारू के साथ एक दारू फ्री मैडम, जितनी डेमोक्रेटिक अच्छी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटी है। पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्री का मॉडल दिल्ली में अरविंद जी उसमें काम कर रहे हैं, हमारे लिए क्या चाहिए? एक बेसिक तौर पे हमें बिजली, पानी, सबसे हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था हो,
पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो। लोकल लेवल पर जो माइक्रो लेवल पर गवर्नमेंट का काम है एमसीडी का, वो साफ सफाई ड्रेनेज लोकल लेवल पर वार्ड की स्तर पे जो कमेटी स्तर पे एमसीडी स्कूल हो गया, एमसीडी हॉस्पिटल हो गए। जी जी जी, 15 साल हम लोगों ने बीजेपी को दिया है, इस बार केजरीवाल जी को देके हम ये भी देखना चाहते हैं जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया है उस तरीके से हम एमसीडी में उनको लाके एमसीडी में भी केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सांसद भी हमारे वही है, भाजपा के हमारे विधायक जी भी है, तो हमने कहा पार्षद भी हमारा रहेगा तो अच्छा काम होगा, लेकिन उसके उल्टा काम। हमको क्या चाहिए, हमको शिक्षा स्वास्थ्य जो बहुत जरूरी है, अगर आज बीमार पड़ गया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो 50,000 रुपए लगते हैं, मुझे मेरे पास तो नहीं है, गरीब आदमी है, लेकिन यहाँ इलाज ठीक ठाक हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं है। केजरीवाल एमसीडी में भी केजरीवाल सारी रिपोर्ट देखे, नहीं लगा पैसा नहीं लगा उसमें, यानी कि झुकाव जो है केजरीवाल जी का है, सारे युवाओं का झुकाव केजरीवाल की तरफ होना चाहिए। मैडम होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह पर है, मैं नहीं कहता कि वो आम आदमी पार्टी किसको करे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उनके मुद्दों पे काम करे, स्कूल पे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र आप उस फिलॉसफी पे क्यों ले जा रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई की आप बात क्यों नहीं करते, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते। हिंदू मैं बीमार हूँ, मंदिर पर जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, बताइए। ये देखिए, इनका डॉक्टर साहब ने नहीं पूछा आपकी जात धर्म के, ब्लड निकालो और जांच करिए और इनका इलाज कर दिया। मस्जिद में जाने से ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो अस्पताल चाहिए, अस्पताल मुझे शिक्षा चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को तो मंदिर चाहिए, मस्जिद। वो सिख पर्सन है, मेंटली सिख पर्सन, अनपढ़ गवार लोग हैं। राम मंदिर बन गया, आप क्या रहे हैं, राम मंदिर बन गया अच्छी बात है, अच्छी बात है, यहाँ हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, देश में हॉस्पिटल चाहिए, राम मंदिर को हम भी मानते हैं, भगवान को। लेकिन आपका युवा जो है विकास चाहता है, विकास एमसीडी की बात हो रही, साफ सफाई गंदगी की नालियों की, आप राम मंदिर क्यों ले जा रहे हैं। धर्म पे वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, जाति पे वोट, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है, वो हम नहीं मानते। युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ कब तक बनाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ कब बनाए, हम शिक्षा की बात करेंगे वो कहेंगे इसकी बात, उनकी प्रोपेगेंडा में मैम सिर्फ वही फंसेंगे जो एजुकेटेड नहीं, इसलिए शिक्षा बहुत। और दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप हर चीज को बेहतरीन से समझती हैं, आप बार बार वो सवाल पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में वही डेवलपमेंट चला जाता है। क्या डेवलपमेंट चला जाता है, जो जो दिल्ली का विकास होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, नगर निगम का विकास होना चाहिए। मोदी को क्यों दोगे, हम तो मोदी को देंगे जी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हिंदू है जी, हम तो हिंदू के नाम पे वोट, हाँ हिंदू के नाम पे नहीं, काम के लिए देंगे, क्या काम को वोट देंगे, काम क्या नहीं किया है बताओ, मैं फोन से एक मिनट बात कर लूं मैडम से, कर हिंदू तो हम ही है, हिंदू तो हम ही है, मतलब नहीं है कि हम देखिए धर्म के नाम पे बेवकूफ बना के तुम अपना नेताओं को बड़े बड़े कारपोरेट को रेवड़ी खिला रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, आपके दुकान का प्रमोशन होगा, मैडम अच्छी जगह पे चॉइस की है, आप समझिए कि मैडम अच्छे काम कर रही है। कहाँ गए हिंदू वाले, हिंदू वाले बताओ, काम वाली बात करो, अरे किसको वोट मिलेगा आपकी, यहाँ भक्ति की बात नहीं है, बात आस्था हमारा व्यक्तिगत विषय है, भाई साहब किसी को मानते हैं, भाई साहब किसी को मानते हैं, भाई साहब किसको दोगी, हम तो काम पर अरे कोई तो होगा, काम करेगा उसी को, कोई तो होगा, कहा विकास तो सबने किया है, मोदी ने भी किया और उसने भी किया, केजरीवाल ने भी किया है, तो वोट तो एक ही को मिलेगा, तो एक ही को, क्या है क्या लगता है किसको मिलना चाहिए। माइक्रो लेवल पर जब दोनों सरकारें एक तरह की होंगी, स्टेट में दिल्ली सरकार का मिलेगा, भाजपा आएगी, अच्छा किस आधार पर आएगी, ये केजरीवाल दवाई फ्री नहीं ला रहा, अपने घर से नहीं ला रहा, ये पब्लिक का है जो कुछ है, तो पब्लिक का है, पब्लिक को ही मिलना चाहिए, पब्लिक का है, पब्लिक को ही मिलना चाहिए, केजरीवाल कोई भी ही आएगा, बताइए राम मंदिर बन गया अच्छा है, राम मंदिर बन गया अच्छा है, मैचित बन जाओ अच्छी है, हमें विकास नहीं होना चाहिए, हमें विकास नहीं होना चाहिए, विकास तो जरूरी है, विकास क्या नहीं हो रहा है, विकास तो है, रोजगार कहाँ है, यूपी महंगाई बढ़ा है, यहाँ भी विकास, रोजगार कहाँ है, महंगाई बढ़ रही है, निजीकरण हो रहा है, रोजगार सब रियल आदमी के लिए, बिजली सब है, रोजगार मोदी ने इतना ताकतवर देश कर दिया, दूसरे नंबर पे मोदी लिया इस देश को, हाँ तो बनाने में नंबर एवरेज सैलरी,
भाई साहब का अभी एक मिनट एक मिनट, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार में मेरा इलाज भी फ्री हुआ है। सिटी स्कैन, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, केजरीवाल कौन सा अपने घर से ले आया था? मोदी पब्लिक का ही है, पब्लिक को मिले, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? केंद्र सरकार को देना चाहिए, उनको भी तो टैक्स, ये भी तो पब्लिक का टैक्स मिलता है, कॉर्पोरेट हमें, उनको भी तो टैक्स, कॉर्पोरेट के दे रहे हैं, राम मंदिर में चार्जी का कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये है कि जो हिंदू की बात नंबर पर राम मंदिर की जमीन पे दलाली कर गए, राम मंदिर की जमीन पे दलाली कर गए जो हिंदू, मैडम दूसरे नंबर पे लिया भारत को मोदी, भारत की छोड़ो जो हिंदू दलाली कर गए, एक मेरा सवाल, मेरा सवाल, मेरा सवाल केजरीवाल जी के, हम जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जाजी? जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज, नहीं नहीं हिंदू की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कुछ नहीं है, मस्जिद हो मंदिर हो इसकी कोई बात नहीं है, हमें ये पता है कि मोदी ने देश को इतना ताकतवर बना दिया, हमें इस बात सर कोई अपने खाट पर लोचा और भगवान मोदी मुंह में तो गेम न करा, आर्मी की सेना की वर्दी पे, आर्मी के सेना की वर्दी पे दलाली कर गए, डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, दलाली कर गए, राम मंदिर में दलाली कर गए, डिफेंस सेक्टर में दलाली कर गए, एरोप्लेन कंस्ट्रक्शन में दलाली कर गए, निजीकरण के नाम पे बड़े उद्योगपतियों से सेटिंग कर लेते हैं और पीछे से उसका पैसा अपनी पार्टी फंड में अपने नेताओं को यूज करते हैं, और ये रेवड़ी की बात करते हैं, ये दलाली किसके करते हैं? उद्योगपतियों की दलाली करते हैं, ये युवाओं की बात नहीं करते, ये लोगों की बात नहीं करते, ये आम जनता की बात नहीं करते, अच्छा ये बताइए एमसीडी के जो जितने भी ठेली पटरी लग रहे हैं इनको दुकानें क्यों नहीं करवाते? अरे मैडम रेहड़ी पटरी वालों से दलाली करते हैं, लिंटर में दलाली करते हैं, इनका घराना है उसमें भी दलाली, आत्मनिर्भर बनो, लिंटर पड़ने में दलाली करते हैं, किसी से दुकानें क्यों उठवा ली जाती है? दुकानें पटरी वाले से 500 रुपए महीने का वसूला जाता है, रेहड़ी पटरी वालों से 500, आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, मैडम इतने लोग खड़े, मैडम एमसीडी का ये अधिकार नहीं है, मैडम रेहड़ी पटरी वालों इतने लोग खड़े, इतने लोग खड़े, एक सवाल किसी से पूछ लीजिए, क्या आपने लिंटर डलवाया उसमें कमीशन लिया कि नहीं दिया, दलाली करी कि नहीं करी, ये इतने रेहड़ी पटरी वाले इनसे बोलो पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, ये ईमानदारी से कमाई नहीं कर सकते, ये रिक्शा वाले इनसे पूछो, हर चौराहे पे पुलिस वाले पैसे लेते हैं, यानी कि आम जनता परेशान है, बिल्कुल परेशान है, चाहते हैं प्रधानमंत्री भी हमारा केजरीवाल ही बने, अरे वाह वाह वाह, कहीं ना कहीं झुकाव जो है, पूछ लीजिए मेरी बात मत मानिए, अभी दुकान वाले से पूछिए, लोगों से पूछिए, ये लेंटर में दलाली लेते हैं कि नहीं लेते, रेहड़ी पटरी वालों से पूछिए इनसे पैसा लिया नहीं जाता, वो रिक्शा वाला जा रहा है उससे पूछिए पैसा लिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, अगले चौक पे इनसे पैसा लिया जाता है, आदमी ईमानदारी से खा कमा नहीं पा रहा है, कि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बने, यानी कि ज्यादातर झुकाव जो है दिल्ली सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जनता किसको चुनती है और किसको एमसीडी में अपना अपनी सरकार बनाती है, तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यह आपका संविधानिक हक है, चालिक हक है, आप किसी भी पार्टी के बहकावे में मत आइए, आपको लगता है कौन सरकार आपका विकास कर सकती है आप उसी के तरफ जाइए।